अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट, ये जैसे हमने प्रीवियस क्लास जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था सलमान फारसी। हमारा चैप्टर नंबर क्या था? 2। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा उसमें जो हमने पढ़ा था वो लेक्चर नंबर 4 था, 3 था। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सबक नंबर 2, हज़रत सलमान फारसी। जो हमारा रिमेनिंग रह गया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सहाबी थे। अच्छा, अब ये सहाबी थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बहुत ज़्यादा यानी कि नामवर सहाबी थे। ये मदायन के गवर्नर भी मुकर्रर हुए थे जैसे मैंने आपको बताया था पहले। लेकिन आज मैं, अब जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँगी इसका। तो चलते हैं हम अपना यानी कि रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले पेज नंबर 6 देखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 6 में देखें क्या लिखा है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करे मदीने पहुँचा। इसमें क्या कहा जा रहा है, तर्जुमा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुँचे। पहुँचा का मतलब क्या है? पहुँचे, पहुँचा, पहुँचा, इसकी मीनिंग है पहुँचे, पहुंचे। ठीक है, अच्छा। तड़न हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो संदन खिदमत में हाजिर थियो ऐं सदके जे खजूर पेश कियाइन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि तब हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर थियो का मतलब क्या है? हाजिर हुए। और सदके की खजूरें पेश की। सदके जी खजूर पेश की आइन का मतलब है पेश की, सदके की खजूरें पेश की। पाण सबूरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओह खजूर सहाबन में वराई छड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें सहाबियों में बांट दी। ठीक है, अच्छा, सहाबन में वराई छड़ी। वरहाई, वरहाई की मीनिंग क्या है? बांटना। वरहाई, वरहाई, इसके मीनिंग बांटना। अच्छा, अब देखें, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब सदके की खजूरें पेश की गई तो हमारे पैगंबर सल्लम ने वो खजूरें क्या की? सहाबियों में बांट दी। पर पान ना खादाया, लेकिन खुद नहीं खाएं। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि खादाऊं, खादाऊं। ठीक है, देखें, खा दाऊं, खाएं या खाने को कहते हैं। ठीक है ना, खाना। अच्छा, अब देखें इसमें क्या कहा जा रहा है कि लेकिन खुद नहीं खाई बई भेरे। ठीक है, सदके की खजूर, जैसे कि इसने बताया था कि हज़रत सलमान फारसी को उस बुज़ुर्ग ने अपने वफ़ात के वक्त कहा था, यानी कि हज़रत हमारे पैगंबर इस्लाम की निशानियाँ बताई थी, 3 निशानियाँ। ठीक है ना, वो कौन सी 3 निशानियाँ थी? कि जब सदके की चीज़ें इनको पेश की जाएंगी तो वो खुद तो नहीं खाएंगे, दूसरों को वो तकसीम कर देंगे। दूसरी निशानी उन्होंने क्या बताई थी कि हदिये में दी हुई चीज़, हदिया किसे कहते हैं? तोहफे में। ठीक है ना, तोहफे में दी हुई चीज़ हमारे पैगंबर इस्लाम जो है वो उसको कबूल कर लेंगे। और तीसरी निशानी उन्होंने क्या बताई थी उस बुज़ुर्ग ने? तीसरी निशानी ये बताई थी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों पर नबुवत की मोहर होगी, नबुवत की मोहर होगी। ठीक है, तो ये एक निशानी तो उन्होंने देख ली, वो कौन सी निशानी थी? कि सदके की खजूरें पेश की गई तो उन्होंने नहीं खाई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तमाम सहाबियों को उन्होंने क्या कर दी? बांट दी। अब दूसरी मतलब आए। ठीक है ना, बई भेरे, बई भेरे मीनिंग लिख रही हूँ मैं, देखिएगा, बई बई घेरे। ठीक है, ये देखें, अब इसके मीनिंग क्या है? दूसरी मर्तबा, दूसरी मर्तबा। ओके, दूसरी मर्तबा हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो हदीये तौर कुछ शयून खड़ी वियो।
अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि दूसरी मर्तबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हदीये के तौर पर कुछ चीज़ें, कुछ शयून का मतलब है, कुछ कुछ कहते हैं कुछ को, ठीक है, कुछ कुछ का मतलब क्या है, कुछ कुछ, और शयून का मतलब क्या है, शयून, शयून का मतलब क्या है, चीजें, चीजें, ठीक है, शयून चीजें, कुछ चीज़ें हज़रत सलमान फ़ारसी ने हदीये के तौर पर कुछ चीज़ें खड़ी ले गए। खड़ी का मतलब क्या है, ले जाना, खड़ी, खड़ी ले जाना, ठीक है, ले, और वियो का मतलब गए, ठीक है ना, तो खड़ी वियो ले गए। उसके बाद क्या कहा जा रहा है इसमें के पार सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहे शयून कबूल फरमाया हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें कबूल फरमा ली। यानी कि जब हमारा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला ने दूसरी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और हदीये के तौर पर यानी कि तोहफे के तौर पर कुछ चीज़ें ले गए, तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा ली, ठीक है। आई इस्तेमाल बा क्यों, और इस्तेमाल भी की, बाकी नबुवत जी मोहर जी हिकड़े निशाने रहियल हुई, बाकी नबुवत के मोहर की एक निशानी बाकी थी, रहियल हुई, बाकी थी, रहियल हुई, रहियल हुई, इसका क्या मतलब है, बाकी थी, बाकी थी। एक निशानी बाकी थी, नेठ इन्हिया जी बा ज़ियारत थी अस आई पाण ईमानाड़े मुसलमान थियो। नेठ का मतलब क्या है, आखिरकार, ठीक है, आखिरकार, नेठ, नेठ का मतलब है आखिरकार, आखिरकार। इन्हिया जीवा ज़ियारत थी अस, इसकी भी ज़ियारत हुई, आई पाण ईमानाड़े मुसलमान थियो, और आप ईमान लाकर मुसलमान हुए, और आप ईमान लाकर मुसलमान हुए। देखें अब इसमें क्या कहा गया, जो उस बुज़ुर्ग ने वफ़ात के वक्त सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीन निशानियां बताई थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तीन निशानियां उन्होंने देख ली। एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा तर्जुमा दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि आपको बीच में किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो वो दूर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहा जा रहा है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपना सारा माल काफ़िले वालों को यसरब ले जाने के लिए दे दिया। इस पैराग्राफ से मैं पढ़ रही हूँ, सही है ना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों पंहिंजो सारो माल काफ़िलो वारनि खे यसरब वठी वञण लाइ ॾिनो। यानी कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपना सारा माल काफ़िले वालों को ले जाने के लिए दे दिया। काफ़िले वारनि खेस ग़ुलाम बणाई हिकु यहूदी वटखणी वखणी छॾियो। काफ़िले वालों ने उन्हें ग़ुलाम बनाकर एक यहूदी के पास भेज दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत करे मदीने पहुँचा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने पहुँचे, तडन हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों संदन खिदमत में हाजिर थियो। तब हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों उनकी खिदमत में हाजिर हुए, आई सदक़े जी खजूर पेश की आई, और सदक़े की चीज़ें पेश की, खजूर पेश की, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहा खजूर सहाबन में वराई छड़ी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें सहाबियों में बांट दी, पर पाण ना खादाऊँ लेकिन खुद नहीं खाई। बई भेरे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हदीये तौर कुछ शयून खड़ी वियो। दूसरी मरतबा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों हदीये के तौर पर कुछ चीज़ें ले गए।
पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहे शयून कबूल फरमाया उन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को कबूल कर लिया। ठीक है, इस्तेमाल बाकियों और इस्तेमाल भी की, बाकी नबूवत जी मोहर जी हिकड़ी निशानी रहियल हुई, बाकी नबूवत के मोहर की एक निशानी बाकी थी, नेट इनिया जी बस ज़ियारत थियस, आखिरकार इसकी भी ज़ियारत हुई, आई पार ईमान आड़े मुसलमान थियो और आप ईमान लाकर मुसलमान हुए। इसके बाद क्या कहा जा रहा है इसमें, कुछ वक्त खां पोए, कुछ वक्त जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया था अभी, कुछ यानी कुछ, ठीक है, कुछ वक्त खां पोए, खां पोए का मतलब होता है के बाद, खां पोए इसका क्या मतलब है, के बाद, के बाद, कुछ वक्त खां पोए हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं सहाबन जी मदद सां पंहिंजी क़ीमत अदा करी आज़ाद थियो। अब इसमें क्या कहा गया है, तर्जुमा क्या है कि कुछ वक्त के बाद हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबियों की मदद से अपनी क़ीमत अदा करके आज़ाद हुए, यानी कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ग़ुलाम बन गए थे, यानी कि उन्होंने जो अपना सारा माल बेच दिया था और एक यहूदी के पास इनको बेच दिया गया था उसके बाद, तो ये ग़ुलाम बना दिए गए थे। तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जितने भी सहाबा कराम थे उनकी मदद से इनके जो पैसे थे वो इनको दे दिया और उसके बाद यानी कि इनको ग़ुलामी से आज़ाद करवा लिया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद ग़ुलामी से आज़ाद हो गए थे। उसके बाद क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पैरा में, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजी ख़िलाफ़त जी ज़माने में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में, ठीक है, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के मदायन जो गवर्नर मुकर्रर कियो, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदायन का गवर्नर मुकर्रर किया। मदायन क्या है, जगह, जगह का नाम है मदायन, इसका गवर्नर बनाया था। किसके दौर की बात हो रही है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की बात हो रही है, उनके खिलाफत के दौर की बात हो रही है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था तो उस वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदायन का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। गवर्नर थियण खां पोए, गवर्नर बनने के बाद, गवर्नर थियण खां पोए यानी गवर्नर बनने के बाद, बसंदस तबीयत में कह बकसम जो फेरो कौन आयो, आपकी तबीयत में, यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नर बनने के बाद भी आपकी तबीयत में किसी भी कह बकसम किसी भी कसम, ठीक है, कह बकसम किसी भी कसम की फेरो तब्दीली, फेरो का मतलब क्या है, तब्दीली, फेरो कहते हैं तब्दीली को। तब्दीली किसी भी, यानी कि इसमें यह कहा गया कि गवर्नर बनने के बाद भी आपकी तबीयत में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली कौन आयो नहीं आई। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम, इस्लामी अहकामन जी पूरी तरह पैरवी करण सा गढ़ इस्लामी तालीम के आम करण लाए नहायत घड़ियों कोशिशों बताएं। इसका तर्जुमा क्या है कि इस्लामी अहकामात की, अच्छा अब हम पढ़ देखिए ये लाइन मैं पढ़ रही हूँ, दोबारा से सुनिएगा सही से, इस्लामी अहकामन जी पूरी तरह पैरवी करण सा गढ़ इस्लामी तालीम के आम करण लाए नहायत घड़ियों कोशिशों बताएं। ठीक है, रिपीट किया मैंने इस लाइन को दोबारा, अब मैं तर्जुमा कर रही हूँ, इस्लामी अहकामात की पूरी तरह पैरवी करने के साथ साथ, ठीक है, इस्लामी तालीम को आम करने के लिए नहायत यानी बहुत ज़्यादा कोशिशें की, और कोशिश वर्ताइन का मतलब कोशिशें, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखी है ना, ये देखें कोशिशें वर्ताइन यानी कोशिशें की। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सन 37 हिजरी में इस्लाम के इस मुजाहिद मर्द ने 80 सालन जी उम्र में वफात कई। तर्जुमा क्या है कि
सन 37 हिजरी में इस्लाम के इस मर्द मुजाहिद ने 80 साल की उम्र में वफात पाई। अब देखें ये सन 37 लिखा हुआ है, सिंधी में ये 37 ठीक है ना, ये 7 है, इसको सिंधी में 7 को इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल गौर से देखिएगा, सिंधी में 7 ऐसे लिखते हैं, ये उर्दू में इस तरह लिखते हैं 7, 37 ये 37 है सिंधी का और ये उर्दू का है 37 ठीक है, 37 यानी 37 साल। उसमें ये कहा गया कि सन 37 हिजरी में इस्लाम के इस मुजाहिद मर्द ने 80 साल की उम्र में वफात पाई। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हुआ ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इस पैराग्राफ को एक दफ़ा फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो पंहिंजी खिलाफत जी ज़माने में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मदायन जो गवर्नर मुक़रर थियो। गवर्नर थियण खां पोइ बसंदस तबियत में कंहिं ब क़िस्म जो फेरो कोन आयो। इस्लामी अहकामनि जी पूरी तरह पैरवी करण सां गॾु इस्लामी तालीम खे आम करण लाइ नहायत घड़ियूं कोशिशूं वरताईं। सन 37 हिजरी में इस्लाम जी हिन मुजाहिद मर्द 80 सालनि जी उमिरि में वफ़ात पाई ठीक है। अब वफ़ात कई यहाँ तक आपका ख़त्म हुआ। इस पैराग्राफ का तर्जुमा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ मैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने खिलाफत के ज़माने में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदायन का गवर्नर मुकर्रर किया। मदायन जगह का नाम है ठीक है। गवर्नर होने के बाद भी आपकी तबीयत में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। इस्लामी अहकाम की पूरी तरह पैरवी की करने के साथ साथ इस्लामी तालीम को आम किया और इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। सन 37 हिजरी में इस्लाम के इस मुजाहिद मर्द ने 80 साल के उम्र में वफात पाई। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे क्लोज़ हो गया। तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो होगी हज़रत इमाम जाफ़र की, यानी कि हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।